सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आज पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इसमें खोले के हनुमान जी जयपुर में जाते हैं मंदिर पे, मंदिर में दर्शन वगैरह करने के लिए। तो इसी के साथ ही घर से नहा धो के फ्री होके निकल गए हैं खोले के हनुमान जी। ये NH21 तिलक हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। कोहरा ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे जा रहे हैं, सर्दी भी बहुत तेज है। अब यहाँ से मेन सिटी के अंदर एंट्री करेंगे। ये बोर्ड लग रहा है, कुछ भी इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। ये सुरंग के पास पहुँच चुके हैं, सुरंग वाला रोड स्टार्ट हो गया है। ये देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, बस कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। ये सुरंग का मेन गेट है, इधर से एंट्री करते हैं जयपुर की बाहर की साइड से। ये सुरंग लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग इतनी बड़ी है, ये काफ़ी टाइम पुरानी सुरंग है। इसके अलावा भी जैसे जयपुर में एंट्री करने का इधर की साइड से आगरा रोड की साइड से एक और रोड है जो सुरंग के बाहर से है, उससे भी आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सूटेबल रहा था तो उस हिसाब से इसके अंदर से आए हैं। तो फाइनली सुरंग के बाहर पहुंचने वाले हैं। देखो इतना कोहरा है जो शीशा वगैरह साफ करना पड़ रहा है बार बार। ये पंडित नवल किशोर शर्मा की सर्किल है जो ट्रांसपोर्ट नगर के इधर की साइड आती है। ये दिल्ली रोड पे आ चुके हैं। इधर की साइड भी काफ़ी ठंड है, इधर भी आगे रोड वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है आगे। इसी के साथ ही खोड़े के हनुमान जी के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एंट्री करते हैं। इसका मेन गेट है, यहीं से मंदिर की एंट्री स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर जाना पड़ता है 1-2 किलोमीटर। ये मंदिर पहाड़ों के बीच है, इधर गौशाला है, इधर आगे जा रहे हैं। ये देखो इधर भी कोहरा ही कोहरा है। ये मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। इधर रोप वे का सिस्टम है, अभी आपने सुना होगा इधर रोप वे चालू हुआ है। ये इसकी एंट्री गेट है। ये मंदिर का गेट है बाहर से, इधर अंदर एंट्री करेंगे, प्रसाद वगैरह ले लिया है। ये यहाँ पे आरती हो रही है,
यहाँ पर आरती वगैरह लेके प्रसाद वगैरह चढ़ा के अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। इधर की साइड फोटो वगैरह खींचते हैं थोड़े बहुत। ये इधर देखो बिल्कुल कोई नहीं है उन तीनों के अलावा यहाँ पे अभी। ये मंदिर के जस्ट ऊपर ये फोटो वगैरह खींचने के बाद वापस ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर भी ऊपर भी एक और मंदिर है। अब यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं। मंदिर के नीचे आ चुके हैं। ये मंदिर का मेन गेट था जिधर से एंट्री की थी। ये मंदिर है, अंदर जाके दर्शन किए थे। तो वहां से चल दिए हैं वापस घर के लिए। मंदिर से वापस घर पे जाने के लिए आने वाला रूट अलग होता है और गाड़ियों को वापस लेके जाते हैं तो वो वाला रूट अलग होता है। अच्छे से दर्शन करने के बाद वापस घर पर जा रहे हैं। इसी के साथ यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये पहला ब्लॉग था तो सभी कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग। कोई मिस्टेक वगैरह रही हो तो वो भी कमेंट करके बताना। ओके, धन्यवाद।